आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। रविवार की शाम मैं अपने घर पर था और थोड़ी बहुत साफ सफाई करने की कोशिश कर रहा था। साफ सफाई करते करते मुझे घर की अलमारी में एक पोटली पड़ी हुई दिखी, जिसके अंदर काफी सारे कागज रखे हुए थे। मैंने उस पोटली को अलमारी में से निकाला और उसे खोलकर जमीन पर बैठ गया। पोटली खुलते ही अंदर का कागज घर में चारों तरफ फैल गया। बहुत सारे कागज थे, किसी का खत था तो किसी के शादी का कार्ड। अभी मैं एकाएक उन सभी कागजों को देख ही रहा था कि तभी मेरी नजर एक पुराने से दीमक लग चुके चिट्ठी पर गई। चिट्ठी मेरे दोस्त सुमित की थी, तब की जब एक बार सुमित की तबीयत बिगड़ गई थी। मैं उसे देखने भी गया था। उस चिट्ठी को देखकर मेरे मन में एक ख्याल आया, क्यों ना एक बार सुमित के पास से होकर आया जाए। वैसे भी इन दिनों ऑफिस की छुट्टियां चल रही थी, लिहाजा मैंने कल ही निकलने का फैसला किया। फिर मैंने फटाफट घर साफ किया और रात का खाना पीना करके जल्दी ही सो गया। अगली सुबह मैंने सुमित के गांव जाने के लिए बस पकड़ ली। सुमित का गांव मेरे यहां से काफी दूर था, तो जाहिर सी बात है वहां पहुंचने में वक्त लगेगा और हो सकता है शाम भी हो जाए। बस पूरी रफ्तार से आगे बढ़े जा रही थी। जैसा मैंने सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। बस जब सुमित के गांव के छोटे से बस स्टॉप पर रुकी, तब तक अंधेरा हो चुका था। अपने कंधे पर एक छोटा सा बैग लटकाए मैं बस से नीचे उतरा। बस के जाते ही मुझे वहां की खामोशी का अंदाजा हुआ। दूर दूर तक ना तो कोई इंसान और ना ही कोई जानवर दिख रहा था, जबकि अभी उतना वक्त भी नहीं हुआ था। बस स्टॉप पर अगर चीजों की बात की जाए तो वहां सिर्फ एक सड़ा हुआ सा लोहे का बोर्ड लगा हुआ था, जिस पर लिखा था राजगढ़ बस स्टॉप। यहां तलक की बस स्टॉप में लोगों के बैठने का भी कोई इंतजाम नहीं था। जब गांव के इन इलाकों का ये हाल है तो बस्ती में कैसा होगा। यही सोचते हुए मैं चारों तरफ देखने लगा ताकि सुमित के घर तक के लिए कोई सवारी मिल जाए, क्योंकि सुमित का घर बस स्टॉप से काफी दूर था, लगभग 8 किलोमीटर। पिछली बार मैं गलती से पैदल ही निकल गया था। वो तो अच्छा हुआ रास्ते में एक ऑटो मिल गया था, मगर फिलहाल तो मुझे कोई ऑटो वगैरह दिख नहीं रहा। मैंने सोचा गांव की तरफ थोड़ा आगे बढ़कर देखता हूँ, शायद कोई सवारी मिल जाए। लिहाजा मैं धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ने लगा। बस स्टॉप की तरह ही रास्ता भी एकदम खाली था। कुछ देर चलने के बाद मुझे कोई ऑटो रिक्शा तो नहीं, मगर हाँ रास्ते के किनारे एक बैलगाड़ी खड़ी दिखी। बैलगाड़ी कुछ सामानों से लोड थी। मैं तेज कदमों से चलकर उस बैलगाड़ी के पास गया तो देखा कि बैलगाड़ी चालक अपनी जगह पर बैठकर बीड़ी पी रहा है। तभी मैंने उस बैलगाड़ी वाले से बोला, भाई साहब ये ऑटो रिक्शा कहाँ से मिलेगी? आवाज सुनकर बैलगाड़ी वाला मेरी ओर पलटा। मुझे सर से लेकर पैर तक अच्छे से देखने के बाद उसने बीड़ी का धुआं छोड़ते हुए कहा, ऑटो रिक्शा वो अब नहीं मिलेगी, वैसे आपको जाना कहाँ है? इस पर मैं बोला, यहाँ कोई प्रसिद्ध इमली का पेड़ है ना, उसके सामने जो बड़ा सा घर है। मेरी बात खत्म होने से पहले ही उस बैलगाड़ी वाले ने कहा, समझ गया मैं उधर ही जा रहा हूँ सामान लेकर, पीछे बैठ जाइए मैं आपको उतार दूंगा। बैलगाड़ी वाले के ये बोलते ही मैंने एक नजर पीछे देखा तो पीछे सामान भरा पड़ा था। मैं उन सामानों को देखकर सोचने लगा कि बैठूंगा कहाँ,
इतने में ही सामने से बैलगाड़ी वाला बोला, अरे साहब जाना है तो बैठिए ना, वरना हमें जाने दीजिए। बैलगाड़ी वाले से ये सुनकर मैं फटाफट गाड़ी में चढ़कर बैठ गया, क्योंकि मैं 8 किलोमीटर चलकर अपने पैर नहीं तोड़वाना चाहता था। बैलगाड़ी धीरे धीरे रास्ते पर चलने लगी। इसी दौरान जब घड़ी में वक्त देखा तो रात के 8:30 बज रहे थे। तकरीबन 1.5 घंटों के बाद पैदल इंसान से भी धीरे चलकर बैलगाड़ी उस इमली के पेड़ के पास पहुंची। मैं बैलगाड़ी से उतरा और उस आदमी को कुछ पैसे थमाकर वहां से रवाना कर दिया। जहां इमली का पेड़ था, ठीक उसके दूसरी ओर सुमित का बड़ा सा घर था। हालांकि वहां पर अंधेरा काफी ज्यादा था, मगर चांद की रोशनी में मैं सुमित के बड़े से घर को साफ तौर पर देख पा रहा था। घर की हालत बहुत खराब थी। दीवारें जमीन की ओर इतनी झुकी हुई थीं जैसे अभी गिर पड़ेंगी। घर का कोई ऐसा कोना नहीं था जहां का प्लास्टर ना छूटा हो। घर की ऐसी हालत देखकर मैं बड़ा हैरान हुआ कि इतना बड़ा घर और ऐसी हालत। खैर मैं चलकर घर के दरवाजे पर गया। दरवाजा पीटने पर एक बूढ़े से आदमी ने दरवाजा खोला। शायद घर का नौकर होगा, ये सोचकर मैंने उनसे बोला, काका सुमित है। ये सुनकर उस बूढ़े आदमी ने कुछ बोला नहीं, बस मुझे अंदर आने का इशारा किया। मैं घर में दाखिल हुआ और उस बूढ़े के पीछे पीछे चलने लगा। एक के बाद एक कमरे पार होते गए, मगर वो बूढ़ा रुक ही नहीं रहा था। कुछ देर बाद वो बूढ़ा आदमी एक कमरे में घुस गया। उसके पीछे मैं भी घुसा तो पाया कि कमरे में एक कुर्सी पर कोई बैठा हुआ है। उस आदमी के बाल ऐसे थे जैसे कभी आग से जल गए हों। शरीर एकदम पतला किसी कंकाल की तरह था, लेकिन चेहरा थोड़ा बहुत जाना पहचाना सा लग रहा था। अभी मैं उस आदमी को पहचानने की कोशिश कर ही रहा था तभी वो आदमी बोला, क्या भाई अपने बचपन के दोस्त को नहीं पहचान रहा है? इस पर मैं हैरान होते हुए बोला, सुमित तू ये क्या हाल बना रखा है तूने, और ये घर को क्या हुआ? इस पर सुमित मुस्कुराते हुए बोला, अरे कुछ नहीं यार, बहुत दिनों से तबीयत खराब थी और तू तो जानता है मैं अकेले रहता हूँ। इस पर मैंने पूछा, क्यों ये काका है ना? इस पर सुमित थोड़ा गुस्सा होते हुए बोला, ये नाम मतले साले का गद्दार। जिस पर मैंने सुमित को शांत करते हुए बोला, अच्छा वो सब छोड़, अब कैसी है तबीयत? तो सुमित बोला, अब क्या, अब तबीयत ठीक ही रहेगी। देख रात बहुत हो गई है, तू खाना खा ले और सो जा। जिसके बाद सुमित के नौकर ने खाना लगा दिया। फिर मैंने खाना खाया और खाना खाकर मैं और सुमित एक ही बिस्तर पर लेट गए। सफर के थकान के चलते मैं कब सो गया कुछ याद नहीं, पता नहीं कितनी देर बाद। मगर जब मेरी आंख खुली तो मेरे नाक में एक अजीब सी बदबू आ रही थी, जैसे कुछ जल रहा हो। मैंने आंख खोलकर इधर उधर देखा, मगर मुझे ऐसा कुछ जलता हुआ दिखा नहीं। अभी मैं इधर उधर देख ही रहा था कि तभी मेरी नजर सुमित पर गई, तो उसे देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि सुमित का पूरा चेहरा एकदम जला हुआ था। उसकी शक्ल बहुत डरावनी लग रही थी। ये देखकर मैं इतना डर गया कि मेरा पूरा शरीर थरथर कांप रहा था। मैं धीरे धीरे बिस्तर पर से उठा और उस कमरे से निकलकर बाहर की ओर भागने लगा। जैसे तैसे मैं उस घर से निकलकर बाहर निकला और उस घर से दूर भागने लगा। भागते भागते मैं जब उस घर से थोड़ा दूर गया तो मुझे रास्ते के किनारे वही बैलगाड़ी खड़ी दिखी
जिसकी मदद से मैं यहाँ तक आया था। मैं उस बैलगाड़ी के पास गया तो पाया कि वो बैलगाड़ी वाला पीछे की ओर मुंह करके अपनी जगह पर बैठा हुआ है। मैंने उसी वक्त बैलगाड़ी वाले को सारी बात बता दी। सारी बात सुनने के बाद बैलगाड़ी वाले ने मेरी ओर देखे बिना ही कहा, साहब जरा देखिए तो, उनका चेहरा कहीं ऐसा तो नहीं दिखता था। इतना कहकर जैसे ही वो बैलगाड़ी वाला मेरी ओर पलटा तो उसकी शक्ल देखकर मेरे पैरों तले की जमीन खिसक गई, क्योंकि उस बैलगाड़ी वाले का चेहरा भी सुमित की तरह ही एकदम जला हुआ था। ये देखकर मैं अपने आप को संभाल नहीं सका और वहीं पर बेहोश हो गया। पता नहीं कितनी देर बेहोश रहा, मगर जब मेरी आंख खुली तब मेरे चेहरे पर सूरज की रोशनी पड़ रही थी। मैं उठा और किसी तरह से बस्ती तक गया। बस्ती के लोगों को सारी बात बताने पर पता चला कि एक वक्त पर सुमित के पास बेशुमार दौलत थी, मगर उसके नौकर को उसकी ये रहीसी पसंद नहीं आई और उसने सुमित को मारकर सारी दौलत अपने नाम करने का सोचा। मगर वो जानता था कि वो ये काम अकेला नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने उस बैलगाड़ी वाले को भी अपने साथ मिला लिया। और एक दिन रात को उन दोनों ने नींद में ही सुमित को जिंदा जलाकर मार दिया। मगर सुमित को मारने के बाद वो दोनों भी ज्यादा दिनों तक बच नहीं सके। सुमित की आत्मा ने उन दोनों को भी एकाएक जिंदा जलाकर मार डाला और तभी से उस नौकर और सुमित की आत्मा उस घर में और बैलगाड़ी वाले की आत्मा रास्ते पर भटकती फिरती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ। रूम से भागम भाग मचाकर मैं जब बस स्टैंड पहुंचा तो मेरे हाथ सिर्फ और सिर्फ निराशा ही लगी, क्योंकि बस स्टैंड पहुंचकर मुझे पता चला कि आज सारी बसें स्ट्राइक पर हैं। अब मैं गांव कैसे पहुंचूं? यही सवाल मेरे जहन में इधर से उधर घूमे जा रहा था। तब रात के 8 बज रहे थे। इतनी रात गए कोई ऑटो भी नहीं मिलेगी जिसे रिजर्व करके मैं गांव जा सकूं। निराश होकर मैं बस स्टैंड से बाहर निकला और अपने जेब से फोन निकालकर घर पर कॉल करके भैया से कहा, भैया लग नहीं रहा कि आज मैं गांव आ पाऊंगा, बस की स्ट्राइक है आज। मैं फिर भी देखता हूं, अगर कुछ जुगाड़ हुआ तो कॉल करके बता दूंगा। इतना कहकर मैंने फोन रख दिया और पास ही में एक बंद दुकान के चबूतरे पर बैठ गया। सोचने लगा कि क्या करूं। अभी मैं कोई रास्ता ढूंढ ही रहा था कि तभी बाईं ओर से एक माल ढोने वाली टेम्पो ठीक मेरे पास आकर रुकी और टेम्पो के अंदर से आवाज आई, अरे सुमित तू यहां पर क्यों बैठा है ऐसे? मैंने उस आवाज की ओर टेम्पो के ड्राइविंग सीट की तरफ देखा तो वो सलीम काका थे। सलीम काका मेरे गांव के बगल वाले गांव में रहते हैं और अपनी इस टेम्पो में माल ढोने का काम करते हैं। मैंने सलीम काका को अपनी सारी दुविधा बताई। सारी कथा सुन सलीम काका बोले, मैं यहाँ माल लेकर आया था, अब घर जा रहा हूँ, चल तुझे जितना दूर हो पाएगा छोड़ दूंगा। ये सुनकर मेरी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। मैं तुरंत सलीम काका की टेम्पो में सवार हो गया और हम लोग गाँव की तरफ आगे बढ़ने लगे। तब रात के यही कोई 8:30 बज रहे होंगे। रास्ते पर हमारी टेम्पो के अलावा और कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। ऊपर से दिसंबर का महीना होने की वजह से ठंड भी काफी थी। रास्ते पर कोहरा ही कोहरा था, जिसके बीच गाड़ी चलाने में बेशक सलीम काका को तकलीफ हो रही होगी।
इसी बीच मुझे याद आया कि घर पर फोन कर देना चाहिए। ये सोचकर मैंने मोबाइल निकाला, मगर पता नहीं तभी मुझे क्या सूझा। मैंने सोचा घर पर सबको ना बताकर सरप्राइज दूंगा, और मैंने मोबाइल को वापस अपनी जेब में डाल लिया। शहर से मेरा गांव तकरीबन 60 से 70 किलोमीटर होगा। समय की बात करें तो 1.5-2 घंटे लग ही जाएंगे पहुंचने में। ऊपर से टेम्पो जिस रफ्तार से चल रही थी उससे तो ऐसा लग रहा था कि वक्त और भी ज्यादा लग सकता है। इसी दौरान मेरी नजर गुमसुम से गाड़ी चला रहे सलीम काका पर गई। उनका चेहरा उतरा हुआ था, जैसे वो किसी बात को लेकर दुखी हो, जिस पर मैंने काका से कहा, क्या बात है काका, सब ठीक है ना? काका ने ऐसी प्रतिक्रिया दी जैसे उनका ध्यान टूटा हो, और फिर बोले, नहीं कुछ नहीं हुआ, बस घर परिवार की थोड़ी चिंता है, पता नहीं सब कैसे होगा। काका की बातों में एक अजीब सा दर्द था। खैर, लगभग 2 घंटा जैसा सफर तय करने के बाद टेम्पो अब मेरी मंजिल के थोड़ा नजदीक पहुंच चुकी थी। रात भी काफी हो चुकी थी। मेरे गांव और सलीम काका के गांव वाले मोड़ के पास मैंने काका को टेम्पो रोकने के लिए कहा, जिस पर काका बोले, अरे बेटा मैं घर तक छोड़ देता हूँ, फिर चला जाऊंगा अपने घर। मगर मैंने उन्हें साफ मना कर दिया। मैंने सलीम काका को कुछ पैसे देने की भी कोशिश की, मगर उन्होंने लेने से साफ इनकार कर दिया, ये कहकर कि तुम मेरे बेटे जैसे हो। जिसके बाद सलीम काका अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। उस मोड़ पर से मेरा गांव यहीं कोई 2-4 किलोमीटर की दूरी पर होगा। क्योंकि वो एक गांव का रास्ता था तो जाहिर सी बात है इतनी रात के रास्ते पर कोई नहीं होगा। मैं अकेला ही धुन में आगे बढ़े जा रहा था। रात हर पल और भी ज्यादा गहरी और गहरी होती जा रही थी। उस जंगल से घिरे रास्ते पर सांपों का डर मुझे बचपन से था। एक बार तो बचपन में मैं सांप के ऊपर चढ़ते चढ़ते बचा था। खैर, मैं आगे बढ़ता रहा। मोबाइल की फ्लैशलाइट ही उस रास्ते पर रोशनी का एकमात्र जरिया थी। बाकी ना तो कोई स्ट्रीट लाइट थी और ना ही घने लंबे पेड़ों के कारण चांद की रोशनी सही से जमीन पर पहुंच पा रही थी। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी रास्ते के दाईं ओर सामने वाली झाड़ियों में मुझे कुछ हलचल महसूस हुई। मैं ठिठक कर अपनी जगह पर रुक गया। शीत की एक ठंडी लहर मेरे पूरे जिस्म में दौड़ गई। माँ ने फोन पर बताया था कि आजकल गांव में शियारों का बड़ा आतंक है। मैं कुछ देर अपनी जगह पर ही रुका रहा, मगर जब वो हलचल बंद हो गई तो मैं जल्दी से वहां से आगे बढ़ गया और तेजी से कदम चलाकर गांव की तरफ जाने लगा। अभी मैं उस जगह से थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि तभी सामने रास्ते के एक किनारे पर मुझे कोई लड़की खड़ी नजर आई। मुझे काफी हैरानी हुई कि आखिर इतनी रात गए ये लड़की इस सुनसान रास्ते पर क्या कर रही है। खैर, चूंकि वो लड़की आगे की तरफ मुंह करके खड़ी थी इसलिए मुझे उसका चेहरा दिख नहीं रहा था, लिहाजा मैं चलते हुए उस लड़की के पास गया तो पता चला कि वो लड़की नीलू है। नीलू हमारे गांव में रहने वाले सुमेसर चाचा की लड़की। तभी मैंने नीलू से कहा, अरे नीलू तू यहाँ पर क्या कर रही है? मगर नीलू कुछ नहीं बोली और उसी तरह से एक टकटकी बांधे सामने की तरफ देखती रही। मैंने दोबारा कहा, अरे क्या हुआ, घर वालों ने निकाल दिया क्या? मगर इस पर भी नीलू की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। मगर तभी नीलू ने चलना शुरू कर दिया। मगर ये क्या, वो रास्ते पर ना चलकर रास्ते के नीचे जंगलों की ओर जाने लगी। मुझे कुछ अजीब लगा, लिहाजा मैं भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। मैं नीलू को आवाज दिए जा रहा था मगर वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। इस घने जंगल में
आखिर नीलू कहाँ जा रही है? मैं उसे छोड़कर जा भी नहीं सकता। अगर उसे कुछ हो गया तो क्या होगा? इसी तरह के हजारों सवाल उस वक्त मेरे जहन में उमड़ रहे थे। चलते चलते अब हम लोग जंगल में काफी अंदर आ चुके थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लड़की जा कहाँ रही है और मेरी किसी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही। अभी हम लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी अचानक नीलू गांव के पुराने तालाब के पास जाकर खड़ी हो गई। उस पुराने तालाब के पास में नीलू को खड़ा देख मेरे जहन में एक बत्ती सी जल उठी। मेरे पूरे जिस्म में डर की एक लहर सी दौड़ गई। मैंने ना आव देखा ना ताव, सीधे दौड़ते हुए घर की ओर भागने लगा। दरअसल नीलू को मरे आज 3 दिन हो चुके हैं। उस तालाब को देखकर ही मुझे ये बात याद आई। दरअसल नीलू के ससुराल में उसके ऊपर काफी जुल्म किया जाता था। उसका पति शराब पीकर उसे रोज मारता था, इसलिए नीलू यहाँ अपने मायके आ गई थी और उसने एक रात इसी तालाब में कूदकर अपनी जान दे दी। मेरे जहन में ये बात उतर सी गई थी। खैर, मैं भागते भागते अपने घर पहुंचा। घर पर मैंने सबको यह बात बताई तो सब लोग काफी डर गए और माँ ने कहा, तुझे एक बार फोन कर देना चाहिए था कि मैं आ रहा हूँ, तेरा भाई तुझे लेने आ जाता। पर बेटा, तू आया कैसे? बस तो बंद थी। इस पर मैंने कहा, मैं वो सलीम काका है ना, बगल वाले गांव के, मैं उनकी टेम्पो में आया। इस पर मेरे भाई ने मुझे एक बार घूरते हुए कहा, क्या सलीम काका? पर ये कैसे हो सकता है? वो तो 5 दिन पहले ही मर चुके हैं। उनकी टेम्पो का एक्सीडेंट हो गया था हाईवे पर। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।